दोस्तों नमस्कार, मैं गोविंद सिंह रावत आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज मैं गांव के भ्रमण में हूँ। सरसों के खेत कहीं पर सरसों का जो पौधा है अपनी यौवन की ओर बढ़ रहा है, कहीं जमीन से उगने का प्रयास कर रहा है। यहाँ की खेती के ये हाल हैं। और अब मैं आपको हिमालय का व्यू दिखाता हूँ, जहाँ से आप देख पाएंगे विहंगम दृश्य। ये सामने हिमालय, ये मेरे गांव से ही दिखाई दे रहा है, अल्मोड़ा ज़िले का ग्राम कनकुट। जब तक इस क्षेत्र में रोड नहीं थी तो लोग यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। और आज आप सामने देख सकते हैं ये रोड। रियली मेरा जो उद्देश्य है, इस रोड के निरीक्षण हेतु मैं लगातार सप्ताह में एक चक्कर लगाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें एक दो कोट रोड़ी बीत चुकी है, शायद मार्च तक इसमें डामरीकरण हो जाएगा। बहुत सुंदर रोड बन रही है, इसके लिए हमारे स्थानीय विधायक, सांसद, सरकार और नेता प्रतिपक्ष, जितने भी यहाँ के लोग हैं। दरअसल में निर्माण कार्य में सत्ताधारियों से ज़्यादा विपक्ष का रोल होता है। जितने भी विकास कार्य हैं, यदि विपक्ष मजबूत नहीं है उस क्षेत्र का विकास संभव ही नहीं है। कोई चिल्लाएगा नहीं, सरकार लिपापोती पर लगी रहती है। अभी बंजर खेतों को देख रहे हैं, इन खेतों का अभी भविष्य आने वाला है, क्योंकि जो मेरा एरिया है ये पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने की इसकी संभावना है। रोड आ गई है, पानी है, रामगंगा लिफ्ट परियोजना, रामगंगा बरकंडा मानला। और ये सामने देख सकते हैं आप, ये रामगंगा और बिनोद नदी का संगम, बृद केदार, बूढ़ा केदार भी हमारे क्षेत्र में इसको कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ बहुत सुंदर मेला लगता है। और इस एरिया में महादेव का निवास स्थान, काफ़ी पौराणिक क्षेत्र और हर मन्नतें यहाँ पूरी मानी जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये शिवलिंग आदमकद है, ये डिफरेंट प्रकार का शिवलिंग है। अगर वक्त मिलता है तो आप लोग अवश्य इसमें पधारें। ये नदी जो आती हैं एक माशी चौकटिया से ऊपर से, और इधर दूधातोली से बहकर सालदे होते हुए दोनों बूढ़ा केदार पर मिलती हैं। उसके बाद ये सामने दिखाई दे रहा होगा, एक डूंगरी गांव है। यहाँ के बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग आगे बढ़े हैं। और इसके ठीक सामने थिरोली, बिनोली, सनना और उधर केदार। और सामने दिखाई दे रहा है आपको, अगर वैसे दिखाई कम देगा यहाँ से, पर रात को दिखाई देता है, 1000 से ऊपर गांव की लाइटें यहाँ रात को दिखाई देती हैं। द्वाराट, जहाँ हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथी मदन बिष्ट कवि यहाँ विधायक रहे हैं। और ये मेरा पड़ोसी गांव पिलखी, और भी बहुत सारे गांव हैं। तो मुख्य उद्देश्य यही था यहाँ पर, कि इस वीडियो के माध्यम से जो इसमें ठेकेदार काम कर रहे हैं वो देखेंगे तो उनको लगना चाहिए कि जनता आपका निरीक्षण कर रही है और
आज कम्युनिकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, गांव में टावर बहुत पहले लग चुका है। और ये भीमल के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, बरसात में प्रारंभ होकर ये सर्दियों भर तक चलेंगे। ये बहुत उपयोगी चारा होता है गाय भैंसों के लिए, और विशेषकर भैंसों के लिए तो दुग्ध उत्पादन के लिए ये बहुत अच्छा पेड़ माना जाता है। इसकी ये टहनियाँ यहाँ रहेंगी, एकदम सूखा पड़ा हुआ लेकिन ये एकदम हरियाली ली हुई है, और काट के इस प्रकार से दिखाई देता है ये पेड़। जिन लोगों को जानकारी ना हो, प्रायः जो वीडियो देख रहे हैं लगभग वो पहाड़ के ही हमारे फेसबुक मित्र हैं, और मेरे गांव के युवा देख रहे होंगे तो उनको याद आ रही होगी अपने गांव की। और मैं थोड़ा सा गांव में, माताजी रहती हैं तो समय समय पर उनकी देखभाल के लिए, देखभाल क्या कहें, उनके आशीर्वाद को लेने के लिए जाया करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने गांव अवश्य पधारेंगे। धन्यवाद।